हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हमारी जो अभी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने ऑल ओवर जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सिलेबस कवर कर ही लिया अपना, और अभी कंटिन्यू है ये वाली क्लासेस पेडागोजी की. तो आगे आगे क्या है अपना और भी जो रह गया है कंटेंट, वो भी हम आगे की क्लासेस में जल्दी कवर करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि 23 को आपका PGT का एग्ज़ाम है और 22 को TGT और PRT का भी एग्ज़ाम है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम. अच्छा, एक चीज़ है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, यानी कि करिकुलम और जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? जो आपकी बुक होती है, क्या करिकुलम को ही पाठ्य पुस्तक बोलते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है? तो ये चीज़ सोचने वाली है, और बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि करिकुलम है क्या. करिकुलम एक लैटिन भाषा का वर्ड है. जो करिकुलम लिया गया है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका जो मतलब है करिकुलम, करी प्लस कुलम, इसका मतलब होता है, यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब होता है एक दौड़ का मैदान. मतलब जो आपका करिकुलम रखा गया है ना, उसका मतलब एक दौड़ का मैदान है. ठीक है, याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि करिकुलम का अर्थ क्या है, तो बच्चे उसमें नीचे लगा देते हैं कि कंटेंट है, विषय वस्तु है, पाठ्य पुस्तक है, वो नहीं आएगा. करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान. दौड़ का मैदान, ठीक है. और जो एक ये किसका है, लैटिन भाषा का, लैटिन का शब्द है आपका करिकुलम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान. दो पॉइंट्स क्लियर हो गए. उसके बाद बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक और जो आपका करिकुलम होता है, यानी कि पाठ्यक्रम होता है, वो क्या है. पाठ्यक्रम जो आपका पाठ्य पुस्तक है ना, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक और बुक्स होती हैं, वो आपका एक पार्ट है करिकुलम का. मतलब करिकुलम का जो एरिया है, करिकुलम इज लाइक आपका ये, कि ये बड़ा वाला जो सर्कल है, मतलब जो इतना जिसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, वो आपका ये क्या हो गया, करिकुलम, ठीक है. लेकिन इसके अंदर जो आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, कंटेंट होती हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो इसका एक पार्ट हो गए, जिसके अंदर आपकी बुक्स आ गई, मेथड्स आ गए, ठीक है, स्किल्स आ गई, और आपकी टेक्निक्स आ गई, और क्या चीज़ रह गई, और ये सारा क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है, ठीक है. तो करिकुलम के अंदर, यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक्स, मेथड, स्किल्स, टेक्निक्स, इवेल्युएशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है. तो जो करिकुलम है हमारा, उसका काफ़ी ब्रॉड एरिया है. उसके छोटे छोटे पार्ट्स, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम टीचिंग करवाते हैं, जिसमें हमारी टेक्स्ट बुक आती है, हम मेथड्स यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं, और जो आपका इवेल्युएशन यूज़ करते हैं, वो सारा करिकुलम का एक पार्ट है. करिकुलम बोलता है कि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करना है. मींस करिकुलम के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ और जो बाकी अनदर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़, और जो आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड आपकी वो होती है, शैक्षिक शिष्यावश्य, वो आते हैं. और उसके बाद जो करिकुलम्स में आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह आ गई, वो सब आते हैं. मतलब करिकुलम एक ब्रॉड जो एरिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है. तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में कंफ्यूज नहीं होना है. केवल पाठ्य पुस्तक एक पार्ट है पाठ्यक्रम का, लेकिन पाठ्यक्रम एक ब्रॉड एरिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें समाहित हैं. मतलब उसकी सारी चीज़ें करिकुलम ने अपने अंदर इन्वॉल्व की हुई है, जिसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जिससे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, जिसके अंदर अपने स्किल्स, टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं जो आपका पाठ्य पुस्तक क्या होती है. ये बात कर ली हमने पाठ्यक्रम की, यानी कि करिकुलम की. अब आ गया बुक्स, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है.
पाठ्य वस्तु लिख देती हूँ। पाठ्य वस्तु क्या होती है आपकी, जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक आती है, वो एक ऐसी चीज होती है मतलब जिसके अंदर आपकी टीचिंग लर्निंग वाला प्रोसेस होता है ना, किसी स्किल्स के थ्रू, जिन मेथड्स के थ्रू आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हो, वो एक प्रक्रिया होती है जिसको पाठ्य पुस्तक कहते हैं, जिसके अंदर आपकी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाना है, और जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पहले प्री प्लान या सेट किए गए हैं उनको अचीव करना है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर आपकी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको एक निश्चित रूपरेखा दी जाती है कि आपको ये वाला कंटेंट इतने साल में कवर करना है, या सिक्स क्लास के लिए आपको ये वाली बुक्स यूज़ करनी है, जैसे आपकी मैथ्स की बुक होती है, साइंस की बुक होती है, हिंदी की बुक्स होती है, उनके अंदर क्या होता है, वो सारी आपकी पाठ्य पुस्तक है, उनके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं पहले से ही कि हमें ये वाला लेसन पढ़ने के बाद ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए गेन हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, बच्चा ये चीज़ एक्सप्रेस कर पाएगा, बच्चा ये चीज़ अपने माइंड में रख पाएगा, या बच्चा इसको अपनी डेली लाइफ में या इन फ्यूचर कभी अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। वो चीज़ होती है आपकी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, यानी कि आपकी ये चीज़ हो गई पाठ्य पुस्तक, जो एक करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। और करिकुलम हो गया आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेक्निक्स, जिसके अंदर मेथड्स, स्किल्स, बुक्स, इवैल्यूएशन, ऑल ओवर चीज़ें आती हैं जिसको ध्यान में रख के बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है, और करिकुलम के अंदर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है। लेकिन पाठ्य पुस्तक के अंदर केवल इतना देखा जाता है कि जो पाठ हमें पढ़ाना है उससे सेट ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हुए या नहीं हुए, उसमें क्या कमी रह गई, क्या आपको उसमें और मेहनत करनी है, क्या चीज़ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब कि जो करिकुलम है, करिकुलम का प्रोसेस क्या है, मतलब करिकुलम निर्माण करने के चरण क्या है। अगर आप करिकुलम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाते हो, बुक्स भी तो आप बनाते हो ना, कि आपको बुक्स रेडी करके दी गई है, तो आप उसमें क्या करते हो, आपको जब भी पाठ्य पुस्तक बन के आती है आपकी, तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले इजी कॉन्सेप्ट्स होंगे, देन उससे थोड़ा सा टफ लेसन आएगा, फिर जैसे मान लीजिए मैथ्स की बुक में पहले नंबर्स होते हैं, देन एलसीएम एचसीएफ होते हैं, देन फैक्टर्स आते हैं, देन सिंप्लीफिकेशन आती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, परसेंटेज आता है, तो ऐसे क्या है, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती है बुक, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि आपको बुक्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो वो चीज़ तो हो गई पाठ्य पुस्तक, बुक्स। अब बात करते हैं करिकुलम, करिकुलम आपको कैसे मेंटेन करना है, करिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मेंटेन करनी है, वो डिस्कस करते हैं। ओके, करिकुलम बनाने के जो चरण होते हैं, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है हमारा नीड, नीड्स। यानी कि आवश्यकता, मतलब पहली बात तो ये है कि करिकुलम बनाना क्यों है, करिकुलम बनाने की कोई तो नीड रही होगी कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, बच्चे का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट्स होने चाहिए, हमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, हमें कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन सी क्लास में किस टाइप का स्ट्रक्चर रखना है, कितना लेवल होना चाहिए बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी को करिकुलम एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व करनी है ताकि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, ईजी बनाया जा सके। तो वो क्या चीज़ हो गई, वो आपकी नीड हो गई, आवश्यकता हो गई, ये फर्स्ट स्टेप है आपके करिकुलम बनाने का, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ जब भी बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका नीड ही होता है। अगर आप घर में खाना भी बनाते हैं ना, तो घर में खाना क्यों बनाते हैं, भूख लगती है इसीलिए तो बनाते हैं, अपनी भूख को शांत करने के लिए, हंगर को शांत करने के लिए इसीलिए खाना खाते हैं। तो आपकी खाना बनाने का भी क्या नीड है, कि आपको भूख लगी है, आपको अपनी भूख को शांत करना है, तो उसकी नीड क्या हो गई, खाना बनाना। ऐसे आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं,
तो स्कूल या एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो एजुकेशन प्रोवाइड कराने की आपकी फर्स्ट नीड क्या होगी, कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, टेक्निक्स हो, स्किल्स हो, आप पढ़ा सके, इतना आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो वो भी क्या एक नीड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इट्स कॉल्ड नीड, और आवश्यकता होती है कि करिकुलम या किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सेकेंड स्टेप है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। अब सेकेंड स्टेप पे बात करते हैं कि करिकुलम बनाने के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अभी बता दिया कि करिकुलम बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट पर आपको फोकस करना है, कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसी के लिए आपको करिकुलम मेंटेन करना है। अब आपको बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट क्यों करना है, आपको क्या नीड है बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए? ऑल ओवर बच्चे का डेवलपमेंट इसीलिए तो करना है ताकि वो अपने आप को कहीं पर एक स्टैंड कर सके, और उसकी सोशल लाइफ अच्छी हो सके, वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके, वो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब वो दूसरा ऑब्जेक्टिव जब आप गेन कर लेंगे कि हाँ उसने अपनी सोशल लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है या बाकी चीज़ें कर ली हैं, तो वहाँ पर क्या होगा उसके बाद कि वो बाकी लोगों को उस अपनी चीज़ें, इस जो नॉलेज उसने गेन की है, जिसके अकॉर्डिंग उसने एनवायरनमेंट में एडजस्ट किया है, वो बाकियों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहे कि वो बाकियों की क्या है, हेल्प करे। अपनी नॉलेज गेन कर ली, अपनी स्टडीज़ कर ली, लाइफ में सेटल हो गया, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें, उसका बेनिफिट तो तभी है ना जब वो अपने थ्रू किसी और को एजुकेटेड बनाए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसको नॉलेज दे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये उद्देश्य हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हमें करिकुलम क्यों बनाना चाहिए, कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके, वो अपनी सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर सके, बच्चे दूसरों की हेल्प कर सके, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जा सके, प्रॉपर उसका वोकेशनली वो अपने आप को चूज़ कर सके, और डेली लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु का संगठन। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि करिकुलम का एक पार्ट है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट, ठीक है। सिर्फ आपकी जो टेक्स्ट बुक्स और विषय वस्तु और पाठ्यक्रम होता है वो करिकुलम का एक पार्ट है। तो आपने फर्स्ट नीड्स आपकी भी पढ़ी कि आपको करिकुलम क्यों बनाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। अब क्या है, विषय वस्तु का संगठन करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट करना है, जिसके थ्रू आप बच्चे के कॉन्टैक्ट में आके अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर रूप से बच्चे को टीचिंग करवाते हैं, ठीक है। टीचिंग आप किससे करवाएंगे, टीचिंग आप विषय वस्तु यानी कि कंटेंट की हेल्प से कराएंगे ना। जब तक आपको ये नहीं पता कि किस लेवल पे आपको बच्चे को क्या नॉलेज प्रोवाइड करनी है, आप कैसे टीचिंग करेंगे। हमारे पास जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो वो किस लिए दी जाती है, हमें इसलिए दी जाती है ना कि सिक्स क्लास में बच्चे को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए, उसके बाद सेवन्थ क्लास में बच्चे को इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए, उसके बाद एट्थ क्लास में बच्चे को इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए। सारा कंटेंट एक ही बार क्यों नहीं दे दिया जाता, ऐसे भी किया जा सकता है कि 12th तक का सिलेबस 12 साल क्यों लगाए जाते हैं, फर्स्ट टू 12th तक 12 साल क्या वेस्ट करने इतनी सी बुक्स को पढ़ने के लिए, तो 3-4 साल में ही ख़त्म कर दिया जाए। बच्चे को ज्ञान ही तो देना है, नॉलेज ही तो देनी है, नहीं, उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देनी है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देनी है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देनी है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक और जो कंटेंट होता है वो इस रूप में मेंटेन और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपकी लेवल और आपकी एज के अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप उस एज में इतना गेन करने के काबिल हैं तो आप इतना ही ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप जब जाएंगे तो आपकी वो प्रीवियस नॉलेज से टेंटेड या रिलेटेड आपको बाकी का ज्ञान दिया जाएगा। फिर जब आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, देन आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिक्स क्लास की अगर आपको नॉलेज हो गई है या सिक्स क्लास में आपने जितना कंटेंट पढ़ लिया तो वो आपका सिक्स क्लास पास आउट करने के बाद यूजलेस है। क्यों नहीं है, जब आप सेवन क्लास में जाएंगे तो वही चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन
अब आप उन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे. पहले आपने बहुत सिंपल वे में पढ़ी थी, जस्ट सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इन सब चीज़ें, लेकिन अब आप बहुत कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे कि आप सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मार्क्स और बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगे. ठीक है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिलता की ओर जाएंगे. ठीक है, उस वे में आपका विषय वस्तु यानी कि कंटेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेडी किया जाता है कि आपकी क्लास और लेवल के अकॉर्डिंग आपको किस कंटेंट का ज्ञान होना चाहिए, किस लेवल पे. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट. ओके, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अधिगम अनुभवों का चयन. अब उसके बाद बताइए, सिंपल सी बात है, पहले आपको नीड्स पता चल गई, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपको कंटेंट भी मिल गया, देन अब आपको लर्निंग आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, तभी तो आप टीच करोगे. तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मतलब आपके पास जो भी टीचर है उसके कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं. अब मान लीजिए आपके पास मैथ्स का टीचर है, तो आप उसके जो मैथ्स के रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस है तो वो आप मैथ्स के सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे ना. ये तो नहीं है कि आप उसको साइंस पढ़ाने के लिए भेज देंगे, उसके मैथ्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है आप साइंस पढ़ाने में यूज़ करेंगे, और ऐसे ही जो हिंदी की टीचर है उसके हिंदी लर्निंग एक्सपीरियंसिस हैं वो आप मैथ्स पढ़ाने के लिए भेज देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो आप टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करेंगे कि जो जिस टीचर के पास जितने स्किल्स हैं, जितनी टेक्निक्स हैं, जितने उनके एक्सपीरियंसेस हैं उस वे में, आप उनका सिलेक्शन करेंगे कि अगर हमको मैथ्स पढ़वानी है या ये वाला टॉपिक पढ़ाना है तो कौन सी टीचर बेस्ट वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, इजी बना सकता है, बाकी टीचिंग एड्स यूज़ कर सकता है, स्किल्स यूज़ कर सकता है, टेक्निक्स यूज़ करके उसको इजी बना सकता है. ये सारी चीज़ें क्या हैं, टीचिंग लर्निंग सॉरी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अधिगम अनुभवों का चयन के अंदर आप करेंगे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करिकुलम की होती है, क्योंकि करिकुलम जब आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करता है तो आपकी शिक्षक का चुनाव यानी कि सिलेक्शन ऑफ टीचर, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कौन आपका सेलेक्ट करता है, करिकुलम सेलेक्ट करता है. ठीक है, तो इसके अंदर आ गया सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मतलब अधिगम अनुभवों का चयन, जिसके अंदर टीचर के अकॉर्डिंग या उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कंटेंट पढ़वाना चाहिए जो उतना इफ़ेक्टिव हो और बच्चों के लिए यूज़फुल हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है. ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है फिफ्थ, लास्ट पॉइंट था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम यानी कि मूल्यांकन. सारे स्टेप्स के बाद आपको पता है कि आपको इवैल्यूएट करना है किसी भी चीज़ को, तो इसमें क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि जो भी आपने स्टेप्स बनाए थे या करिकुलम सेट किया उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो अचीव हुए या नहीं. आपको पता है आप कहीं भी कोई भी काम करते हो, कोई भी, अगर आप घर पे खाना भी बना रहे हो ना, तो लास्ट में उसको एक बार सबके सामने सर्व करने से पहले उसको टेस्ट करके ज़रूर देखोगे, या फिर जब सब खाना खाएंगे तो उसको आपको फीडबैक देंगे, वो आपका इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक देना कि बहुत अच्छा बनाया या टेस्ट नहीं था या नमक की कमी थी या कुछ भी, तो वो आपको क्या मिला, उनके थ्रू इवैल्यूएशन हो गया और आपको फीडबैक मिल गया. ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसका लास्ट में जो पॉइंट होता है वो इवैल्यूएशन ही होता है. तो अब हम यानी यहाँ पे जो करिकुलम के सेट किया है कि करिकुलम बनाने के जो हमारे स्टेप है उसमें भी लास्ट जो हमारा पॉइंट है तो उसमें क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि करिकुलम जिस बेस पे हमने सेट किया था उसमें जिसमें हमने सेकंड पॉइंट रखे थे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं, बच्चों को ऑल ओवर डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, बच्चे सोशलाइज हुए नहीं हुए, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना सीख पाए या नहीं सीख पाए, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस उनके हैं या नहीं है, ये तो नहीं कि लड़ाई करते हैं, ये सारी चीजें. तो बाकी को करिकुलम एक्टिविटीज में कितने एक्टिव हैं या फिर सिर्फ क्लासरूम पढ़ाई में ही अच्छे हैं, बाकी किसी फील्ड में अच्छे नहीं हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपके लास्ट पॉइंट इवैल्यूएशन में आ जाती हैं. ठीक है, ये कंप्लीट हो गए आपके स्टेप्स कि फर्स्ट आपकी नीड्स होंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके,
देन आप विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, देन आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्शन करोगे, देन आप लास्ट में करिकुलम का इवैल्यूएशन करोगे. ठीक है, ये सारे करिकुलम के स्टेप्स थे, करिकुलम के चरण थे कि कैसे करिकुलम एक बनाया जाए. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद बात करते हैं करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स, कि करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अभी जब हम लोग स्टेप्स कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे. फर्स्ट, कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है, करिकुलम के अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं या कंटेंट रेडी किया जाता है उसके अंदर आपकी स्किल्स भी आती हैं, टेक्निक्स भी आती हैं, मेथड्स भी आते हैं, स्टेप्स भी आते हैं, और बाकी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जितनी भी आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी सारी चीज़ें करिकुलम के अंदर आती हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास होता है. ठीक है, उसमें बच्चे मेंटली भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे, फिजिकली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चे को प्ले वे ग्राउंड में एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, पढ़ाई के थ्रू आप बच्चे का मेंटल लेवल शार्प कर सकते हैं, इमोशनली आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको गाइडेंस प्रॉपर दे सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको टाइम पर एक सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, वहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक अच्छा पॉजिटिव वे मिल सकता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं. और उसी के साथ साथ बच्चे को सोशलाइज बना सकते हैं कि आप उनको जब को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाएंगे या बाकी कुछ काम करवाएंगे कोई भी, तो वो एक दूसरे की हेल्प करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन रखेंगे. वहाँ पे कोई ये नहीं होगा कि तेरे से आगे निकलना है तो तेरे को मार के मैं आगे निकल जाऊँ, ये सारी चीज़ें. ठीक है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तो उनको कॉम्पिटिशन से भी डर नहीं लगेगा, उनकी हेजिटेशन दूर होगी, बच्चा क्रिएटिव बनेगा. ठीक है, सेकेंड इसमें यही है कि बच्चा क्यों क्रिएटिव बनाना, सेकेंड आपका पॉइंट आता है क्रिएटिव बनाना यानी कि सर्जन बनाना. करिकुलम जब आपका ऐसे सेट किया जाता है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चा बनता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. वहाँ पे क्या है, बच्चा क्रिएटिव बनता है. वहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक का ही ज्ञान नहीं देना है आपको, केवल एक बुकिश नॉलेज प्रोवाइड नहीं करनी है आपको बच्चे को कि बस बुक ओपन करी, ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया, कल टेस्ट ले लिया, बात खत्म, आपने नंबर अचीव कर लिए, वेरी गुड, काम खत्म हो गया. नहीं, करिकुलम के अंदर आपको क्या करना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है जिससे बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके. आप उसकी पढ़ाई भी इसी तरीके से कराइए, जो कंटेंट है वो भी इसी तरीके से बच्चे को करवाइए कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एक प्रॉपर वे में. ठीक है, बच्चा बाकी चीज़ों में जब इन्वॉल्व होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में या अपने आप को डिबेट में लेकर जाएगा, वहाँ पे अपने थॉट्स रखेगा, वहाँ पे क्रिएटिविटी आएगी, इंक्रीमेंट होगा. और जैसे बच्चा डांस करता है तो डांस में जब उसके बाकी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट जो उसके मोटर स्किल्स होते हैं वो आपस में कोरिलेट रहेंगे एक दूसरे से, उसको अपने स्किल्स शार्प करने में हेल्प होगी. ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे के साथ टाइम टू टाइम करते रहिए, ऐसी ऑर्गेनाइज चीज़ें करिए या ऐसे चांसेस दीजिए बच्चे को कि वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों. आप करिकुलम एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम रखिए, डिबेट रखिए, डांस एक्टिविटीज़ रखिए, ग्रुप डिस्कशन रखिए ताकि एक बहस के अंदर भी बच्चे जुड़ सके, खुद तो अपने विचार रखने के साथ साथ दूसरों के थॉट्स को भी सुन सके. ये नहीं कि उसको बस अपने अपने थॉट्स की पढ़िए कि नहीं मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो, उनके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए कि जिस तरह से हम अपनी बात कहते हैं तो दूसरों की बात सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये किसमें आ गया, ये आपका क्रिएटिव बच्चे को बनाने में आ गया कि बच्चे को आपको क्रिएटिविटी प्रोवाइड करानी है, सृजनात्मक यानी कि सर्जन बनाना है. ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपको बच्चे को एज अ डिस्कवर लेकर चलना है. थर्ड पॉइंट आ गया आपका एज अ डिस्कवर यानी कि खोजी.
आपको बच्चे को मतलब करिकुलम के टूवर्ड्स ऐसी चीज़ें करवानी है, क्या है वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो या आपकी पाठ्य पुस्तक का ज्ञान हो, मतलब आपका कंटेंट की नॉलेज आपको बच्चे को देनी है, वो इस रूप में देनी है कि बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो, ये नहीं कि मैम ने रट्टाफिकेशन करवा दिया बात ख़त्म, वो घर जाके होमवर्क भी नहीं करेगा, होमवर्क अपने पेरेंट्स से करवा लिया, या ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है। आप बच्चे को इस वे में लेके चलिए कि बच्चे को, बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स रखिए, उसको किसी प्रॉब्लम के अंदर उलझाइए ताकि बच्चा खुद अपने आप क्या है उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई करे, खोजी बने, मतलब वो सोचे, उस पर अपने दिमाग पे जोर डाले कि ये चीज़ ऐसे है तो इसका शॉर्ट आउट कैसे होगा, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चे को इतना क्रिएटिव बनाइए कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होके कोई ना कोई नई नई चीज़ें खोजता रहे। ज़रूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक का ही ज्ञान आपको देना है, केवल कंटेंट नॉलेज ही देनी है आपको, उससे अलग भी आप बच्चे के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं जो उसके मतलब फैमिली रिलेटेड हो सकती है, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकती है, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए बच्चा सुबह जब स्कूल आता है तो स्कूल आने तक उसने क्या क्या देखा तो वो आपके साथ शेयर करें, जिसको आप अपने शायद हो सकता है वो आपके कंटेंट रिलेटेड हेल्पफुल हो, बच्चे में वहाँ पे क्या नई नई थॉट्स आ सकती हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई मैम मेरे साथ, आज ये हुआ, आप वहाँ पे बता सकते हैं कि अच्छा आपने ये किया, अच्छा बताओ अगर आपके साथ ऐसे होता तो आप कैसे करते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए तो बच्चा शायद वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे के माइंड में एक सेकंड थॉट आए कि हाँ मैम वहाँ पे मैं इस वाली कंडीशन में ये कर सकता था या इस वाली कंडीशन में ये कर सकता था, ठीक है। तो बच्चे को एज अ डिस्कवर लेकर चलना है, एक खोजी के रूप में लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को आपको सामाजिक बनाना है, यानी कि सोशल बनाना है। अब आपको बच्चे का विकास ऐसे डेवलप करना है कि बच्चा सामाजिक बन सके। सामाजिक कैसे बन सकता है, उसमें लीडरशिप की फीलिंग भी होनी चाहिए, उसमें एज अ हेल्पर की फीलिंग भी होनी चाहिए, एज अ मोटिवेटर की फीलिंग भी होनी चाहिए, एज अ फ्रेंड की फीलिंग भी होनी चाहिए, सपोर्टर की फीलिंग भी होनी चाहिए, गाइडेंस की फीलिंग भी होनी चाहिए। ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो बच्चे के पास, मतलब बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे वो अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट कर सके, सबकी रिस्पेक्ट कर सके, किसी को भी हेल्प कर सकते। जैसे सोसाइटीज़ में कई आपने देखी होंगी जो अभी भी डेवलप्ड एरिया है या सोसाइटी मेंटेन है, जैसे इंद्रपुरम सोसाइटी है या फिर छतरपुर में एक सोसाइटीज़ हैं, या कहीं पर भी मतलब जहाँ फ्लैट्स वगैरह एक सोसाइटी मेंटेन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जो सोशल फंक्शंस होते हैं, दिवाली का पर्व हो गया और ये आपका नवरात्रि स्पेशल में डांडिया स्पेशल रखते हैं ये सब, तो वहाँ पे क्या है बच्चा अपने आप को वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो बाकी के जब कांटेक्ट में आएगा तो सबकी रिस्पेक्ट करेगा, हेल्प भी करेगा, और वहाँ पे वो किसी को अगर बात कर रहा है तो प्रॉपर गाइड भी करेगा कि आप ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है बच्चे को आप सोशलिस्ट कर रहे हैं, बच्चे का एक कंटेंट का जो मतलब बच्चे का कांटेक्ट है वो कांटेक्ट बढ़वा रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ बच्चे को ये चीज़ पता चलती रहती है टाइम टू टाइम कि एक टाइम पे इस लेवल पे मुझे ऐसे बात करनी है, अपने शब्दों को ऐसे रखना है, ऐसे रिएक्ट करना है। ये नहीं छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा क्या करता है हमेशा मस्ती मजाक इधर उधर घूमना, अब यही हरकतें अगर बड़ा बच्चा करे तो मतलब काफ़ी मैच्योर बंदा आपके सामने करे तो थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा कि क्या मतलब कॉमन सेंस नहीं है या फिर मैच्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें क्या है अपनी सोशलिस्ट से पता चलती हैं कि मुझे कब कैसा बिहेव करना है, किसके सामने कैसे रिएक्ट करना है, किससे कब कैसे कॉन्टैक्ट करना है, या किसी की कहाँ पर रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को एक सोशलिस्ट बनाते टाइम यानी कि सामाजिक बनाते टाइम वहाँ पे चीज़ें आप देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम यानी कि मूल तत्व, पाठ्यक्रम के मूल तत्व। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मूल तत्व है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपके आ गए ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, यहाँ पे आपके आ गए विषय वस्तु, कंटेंट,
यहाँ पे आपके आगे शिक्षण अधिगम क्रियाएं यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका आ गया इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ये होते हैं आपके पाठ्यक्रम के मूल तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने हैं। जब भी आप पाठ्यक्रम बनाते हैं, किसी चीज़ को बेस बना के ही बनाते हैं ना, आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसके लिए आपको पाठ्यक्रम या करिकुलम रेडी करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ही बनाएंगे ना। जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई नीड नहीं होगी, तो आपको करिकुलम बनाने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे कि घर में खाना भी बनाते हो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके ही बनाते होंगे कि पहली तो नीड ही हो गई, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि सबकी भूख ख़त्म हो जाएगी, खाना बहुत टेस्टी बनेगा और नेक्स्ट टाइम इससे बेटर या फिर सबको ज़्यादा पसंद आएगा। मतलब जो भी उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, मेरे दिमाग में भी खाने से रिलेटेड इतने ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे हैं, तो मतलब किसी भी मेन मोटिव ये है मेरा समझाने का कि आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं कि आपको ये काम करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में है कि ये चीज़ें मैं ये काम करने के बाद अचीव कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, हमारा एक मेन तत्व है, ये एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। पाठ्यक्रम आप जो बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप किससे गेन करेंगे, किससे अचीव करेंगे, बातें करके तो नहीं करेंगे ना। ऑब्जेक्टिव आपको गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, विषय वस्तु चाहिए। जो आप पढ़ाओगे बच्चे को, उसी के थ्रू तो आप बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करोगे, या फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सोशल, जो भी आपको बच्चे का डेवलपमेंट करना है, या कंटेंट से रिलेटेड कि बच्चे को एनवायरनमेंट पढ़ाने के बारे बाद एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी, या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, वो आपकी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गए, देन सेकेंड एलिमेंट कंटेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट क्या हुआ आपका शिक्षण अधिगम क्रियाएं यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे कि जब आप कंटेंट को लेकर क्लासरूम के अंदर जाएंगे, तो क्लासरूम के अंदर टू वे प्रोसेस होगा, आप टीचिंग करेंगे एज अ टीचर और बच्चे लर्निंग करेंगे एज अ स्टूडेंट, राइट। तो तभी तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है टीचिंग का, पढ़ाने का और सीखने का यानी कि लर्निंग का, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी हमारा एक एलिमेंट है। अब एक्टिविटीज़ कैसे रखेंगे, डांस तो नहीं करवाना ना बच्चों को क्लासरूम में जाने के बाद, बच्चों को क्या करवाना है, जो भी आप कंटेंट लेकर गए हो लर्निंग के लिए, जो आपको पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। एक्टिविटीज इट मीन्स कि आप उसको पढ़ाने के लिए या उसको इफ़ेक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ करते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, कौन कौन से स्किल्स या मैथड्स यूज़ करते हो सकता है प्लेवे मैथड के थ्रू आप पढ़ाओ, लेक्चर मेथड के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, डेमोंस्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, कोई और स्किल का यूज़ कर रहे हो, आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो वहाँ पे, या फिर उसमें और एक्टिविटीज़ आप कैसे करवा सकते हो कि टीचिंग लर्निंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप स्लाइड्स और कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, राइट। तो उसके अंदर क्या आ गया, थर्ड जो हमारा पॉइंट है शिक्षण अधिगम क्रियाएं यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। ये हमारा एलिमेंट है कि हम करिकुलम के अंदर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ भी सेलेक्ट करते हैं कि जब हमें कंटेंट पढ़ाना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, ये एक तत्व हो गया।
उसके बाद लास्ट पॉइंट वही वैल्यूएशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी प्रोसेस का जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारा ऑलवेज इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो आपको जब भी करिकुलम आप बना रहे होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखोगे, कंटेंट ध्यान में रखोगे, एक्टिविटीज़ ध्यान में रखोगे और लास्टली इवैल्यूएशन ध्यान में रखोगे कि आपने जो करिकुलम सेट किया है, जो उस पर डिपेंड है, जो आपका करिकुलम इन एलिमेंट्स पे डिपेंड है, उसमें लास्टली जो आपने ऑब्जेक्टिव सेंड किए थे फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव और ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं इवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ समझ ली, यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम के मूल तत्व समझ लिए कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं, कि करिकुलम को बनाने के लिए कोई भी उसका एलिमेंट क्या होगा या करिकुलम किस किस चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो चार चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपना करिकुलम सेट करना है और इन चारों चीज़ों का यूज़ करके आपको टीचिंग लर्निंग करवानी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पाठ्यक्रम के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ करिकुलम वगैरह हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच।